हरियाणा की संसद में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन, कहा दुनिया के लिए यह समय युद्ध का नहीं बल्कि झगड़ा खत्म करने का, भारत शांति के पक्ष में खड़ा है। जल से पहले महा विकास अघाड़ी की 1.5 घंटे चली मीटिंग, नतीजों को लेकर मंथन सूत्रों के हवाले से खबर, अपने विधायकों को एकजुट रखने के लिए होटल में शिफ्ट करने की तैयारी। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का बड़ा दावा, 75 से ज्यादा विधायक जीत कर आएंगे, सीएम फेस पर बोले आलाकमान का फैसला होगा सर्वमान्य। अखिलेश यादव का सीएम योगी पर डायरेक्ट अटैक, बोले कोई वस्त्र से योगी नहीं होता, विचार से होता है, अखिलेश ने बीजेपी के लोगों को बताया अधर्मी। अडानी पर आरोपों को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने, राहुल बोले 2000 करोड़ के घोटाले के बावजूद गिरफ्तारी क्यों नहीं, संबित पात्रा का पलटवार, झूठे आरोप लगाना राहुल की पुरानी आदत। आरोपों के बाद अडानी ग्रुप के शेयर्स 23% तक लुढ़ के, अडानी ग्रुप ने बयान जारी कर अमेरिकी कोर्ट के आरोपों को आधारहीन बताया, काम मामले में संभावित कानूनी विकल्पों पर कर रहे विचार। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी की पहली लिस्ट जारी, 11 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान, हाल ही में बीजेपी और कांग्रेस से आए 6 नेताओं को टिकट। उपचुनाव के बाद यूपी में धड़ाधड़ बुलडोजर एक्शन, बरेली में सरकारी जमीन पर बने 40 घर जमींदोज, हरदोई में भी अवैध निर्माण ध्वस्त। यूपी में भी टैक्स फ्री हुई गोधरा कांड पर बनी फिल्म, दशावमृति रिपोर्ट, लखनऊ में सीएम योगी ने पूरी कैबिनेट के साथ देखी फिल्म, स्टारकास्ट से भी की मुलाकात।